तो हम आपकी जो सेल्फी है उसको चलाएंगे भी, लगातार हम चलाते भी रहे हमारे दर्शकों के लिहाज से। और ये वाकई जो जिस तरीके से साथ ही हेमंत ये भी बता दे कि पूलिंग #पूलिंग डे विद न्यूज 18 आज ट्रेंड भी कर रहा था, क्योंकि आज ही के दिन न्यूज 18 को राजस्थान के दर्शकों ने खूब देखा और इसीलिए सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर #पूलिंग डे विद न्यूज 18 आप ट्रेंड भी कर रहा था। और ये भी आपको बता दें कि वोटर 6 बजे तक, अभी तक जो हम आंकड़े आपको बता रहे थे 5:30 बजे तक आप हैरान रहेंगे कि पिछले 2018 में 74% वोट कास्ट हुए थे, अभी 5:30 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं वो 74% क्रॉस कर गए हैं आंकड़े। यानी मान सकते हैं कि आधे घंटे में जो कुछ समय शेष रह चुके हैं 2018 के आंकड़े अगर बताए जाए हेमंत, तो वो इस बार 6 बजे तक ही वोट डाल पाएंगे। पोलिंग डे विथ न्यूज 18 आप हैशटैग के साथ हमें टैग कर सकते हैं और अभी जो है वो कुछ ही वक्त बचा हुआ है तो हम लगातार अपील भी कर रहे हैं। बिल्कुल, अब 5 बजे तक प्रदेश में 68.24% मतदान हुआ है, सबसे कम पाली जिले में 60.71% वोटिंग हुई है। हम 5 बजे तक का आंकड़ा आपको बता रहे हैं, अब बस आधा घंटा और बचा हुआ है, आप अपने घर से निकलिए, अपना वोट डालिए, बहुत जरूरी है वोट डालना और वोट डालेंगे तभी कहीं ना कहीं सबसे बड़ी अपडेट यह है अब तक की जो आ रही है कि 5 बजे तक 68.24% मतदान हुआ, 68% करीब मतदान की खबर मिल रही है। 6 बजे के बाद जो फाइनल आंकड़ा है मतदान का प्रतिशत का, वो भी हम सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखाएंगे। आज हर दर्शक न्यूज 18 राजस्थान इसलिए देख रहा है क्योंकि हम सबसे पहली सबसे तेज अपडेट हर पोलिंग बूथ से अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताया और देखिए एआई टेक्नोलॉजी के जरिए भी हमने आपको पल पल की अपडेट दी है कि कहां पर कितने प्रतिशत मतदान हुआ है। और देखिए 5 बजे तक प्रदेश में 68.24% मतदान हुआ है। सुबह जब तस्वीरें निकल करके सामने आई थी तो देखिए मतदान प्रतिशत उतना नहीं था, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया मतदान प्रतिशत बढ़ता गया और कई अच्छी तस्वीरें निकल करके सामने आई। देखिए कुछ शादी के नए जोड़े भी पहुंचे थे मतदान करने के लिए, उन्होंने कहा कि पहले मतदान करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि 5 साल में एक ही बार मौका मिलता है जब हम सरकार को चुनते हैं। एक तरफ बीजेपी की बात करें तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर राजस्थान में यहां पर चुनाव लड़ा गया, वहीं अगर हम बात सीएम अशोक गहलोत की करें लगातार देखिए जनसंपर्क करते हुए नजर आए, गारंटी की बात करते हुए नजर आए। एक बड़ा मुद्दा जो कांग्रेस ने इस बार बनाया है वो है 7 गारंटियों की, तो आप देखना बड़ा दिलचस्प होगा 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे किसके सर पर जीत का ताज सस्ता है। और बस देखिए थोड़ी ही देर बाकी, आधे घंटे का समय, सभी वोटों से अपील है कि पहुंचिए बूथों पर और मतदान कीजिए। और सबसे ज्यादा अभी जो आंकड़े निकल कर आए हैं 12 की बात कर ले, 61.5% अभी तक 12 में वोट कास्ट परसेंटेज हो चुका है। अजमेर की बात कर ले तो 52.62%, अलवर की वही बात कर ले तो 58.13%, बांसवाड़ा की 59.76% अभी तक आंकड़े हो चुके हैं। तो इसलिए राजस्थान में 6 बजे तक अभी मतदान होना है। हालांकि हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरों में तमाम लोग अभी कतार में लगे हुए हैं और यही हम आपको बता रहे हैं कि जो लोग कतार में लगे रहेंगे 6 बजे के बाद वही लोग मतदान कर पाएंगे। 6 बजे के बाद अगर आप ये सोचते हैं कि आप घर से निकलेंगे, ऑफिस से छूटकर आप मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे और मतदान करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि नियम और कायदे हैं। तो 6 बजे तक आपके पास टाइम है। 5 साल में आप किसका नेतृत्व देखना चाहते हैं, किस विधायक को आप चुनना चाहते हैं, आज आपके पास मौका है, इसलिए घर से आप निकलिए और मतदान का प्रयोग, मताधिकार का प्रयोग करके मतदान जरूर करिए। लेकिन इस बीच में हेमंत, हम जैसे बात कर रहे हैं, एक तरफ बीजेपी संकल्प यात्रा के जरिए हमने देखा अपना रथ भी रवाना किया, यहां तक कि घोषणा पत्र के लिए भी रथ रवाना किया और लोगों से भी उन्होंने ये योजनाएं और घोषणा पत्र में क्या सम्मिलित करना चाहिए उस पर एकदम कॉन्फिडेंट है, संकल्प यात्रा के जरिए, संकल्प पत्र के जरिए। लेकिन और इस एक बार तरफ खास बात है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अलग अलग 3 यात्राएं निकाली गई, उनका इम्पैक्ट कितना रहा आखिरकार, जैसे प्रधानमंत्री ने पहले ही जिक्र कर दिया था कि इस बार जो चेहरा होगा वो कमल का फूल होगा। बिल्कुल, अब सबसे ज्यादा हनुमानगढ़ जिले में 75.575% वोटिंग हुई है, सबसे कम पाली जिले में 60.71% वोटिंग हुई है, जयपुर में 5 बजे तक 69.22% मतदान हुआ है, सीएम गहलोत के विधानसभा क्षेत्र में 61.30% मतदान हुआ है। तो हम देख रहे हैं साफ तौर पर कि किस तरीके से ये मतदान का प्रतिशत इस वक्त निकलकर सामने आया और अगर ये आधे घंटे में और बदलेगा तो कितना बदलेगा, क्या ये पुराने साल का रिकॉर्ड को तोड़ेगा, इस पर भी नजर रहने वाली है क्योंकि 74 के लगभग था पिछले साल का रिकॉर्ड, अब इस बार का चुनाव के बाद क्या रिकॉर्ड होता है
वो सबसे बड़ी बात होगी, क्योंकि ये प्रतिशत लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी आधे घंटा शेष है, आधे घंटे में भी आप निकलिए बाहर और इस मतदान प्रतिशत को, इस बार भी वो रिकॉर्ड को तोड़िए। बिल्कुल ममता, और एक तरफ बीजेपी जहां तुष्टिकरण की बात कर रही है, अपराध की बात कर रही है, भ्रष्टाचार के मुसले को लेकर इस बार अग्रसर है, तो वही कांग्रेस अपने गारंटियों को लेकर बात करे। ईआरसीपी मुद्दा हो गया, अगर पेपर लीक का बीजेपी मुद्दा उठाती है तो कांग्रेस ये बोलती है कि हमने, हमारी वो राज्य है, हमारा वो सरकार है जिसने फौरन वो एक्शन लिया है। श्रुति, कितना मतदान कहां हुआ वो हम बता दे अपने दर्शकों को। शाम 5 बजे तक देखिये बांसवाड़ा में 72.49%, 12 की बात कर ले तो 73.12%, 73% तक देखिये 12 में मतदान हुआ है, यानी कि बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं मतदान करने के लिए। जनता जागरूक है कि भाई इस बार पहुंचना है, मतदान करना है, और जनता ही ये डिसाइड करेगी कि इस बार राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा। बिल्कुल, और हेमंत देखा जाए तो ऊंट की रफ्तार तेज हो चुकी है। रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, और ये रेगिस्तान का जहाज आपके लिए लेटेस्ट आंकड़े लेकर के आया है आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, हम बाड़मेर से भी बता रहे हैं 69.98%, भरतपुर से 77.26%, और भीलवाड़ा से भी 68.39%, 66.56%, बीकानेर से। तो अब तक सबसे बड़ा आंकड़ा है 75.75%, ये सबसे बड़ा आंकड़ा, और बूंदी का आंकड़ा देखिए 70.40%, ये बहुत अच्छा आंकड़ा है। अगर इसी तरीके से अभी आधे घंटे और वोटिंग होती है तो ये आंकड़ा और बढ़ सकता है, ये आंकड़ा बढ़ जाएगा।